भाईजान सलमान खान की राधे जो है आज रिलीज हो रही है और कल कितने बजे आप इसको अपने घर पर बैठे बैठे देख पाएंगे, मैं हीना कुमावत फिल्म विंडो पे आपको बताऊंगी। तो लगभग 230 करोड़ की डील में इस फिल्म को बेचा गया था, लेकिन बाद में जो कोविड और थिएटर को लेकर नई गाइडलाइंस आई उसके बाद ये माना जा रहा है कि जीप्लेक्स ने इसको 190 करोड़ में खरीदा है। ओटीटी की सबसे महंगी फिल्म मानी जा रही है और आज दुबई के रील थिएटर में इसका प्रीमियर होगा। रात को लगभग 10 बजे के आसपास जो है इस फिल्म का प्रीमियर होने वाला है। जहां ओटीटी पर फिल्म रात को 12 बजे रिलीज होती है या फिर आप देखेंगे कि हॉटस्टार पर जो है 7-7:30 बजे फिल्म को रिलीज किया जाता है, वहीं राधे फिल्म जो है कल दोपहर को 12 बजे आप जीप्लेक्स पर पेड पर व्यू के हिसाब से देख पाएंगे। तो राधे आपके घर में कल 12 बजे आ जाएगा और इस फिल्म को लेकर काफी ज्यादा एक्साइटमेंट है। सलमान खान ने यह भी बताया कि किस तरीके से नुकसान उठाकर वो सिर्फ और सिर्फ अपने फैंस के लिए इस फिल्म को रिलीज कर रहे हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि जो कोविड का काल चल रहा है उसमें थोड़ा सा उन लोगों को एंटरटेनमेंट मिले, वो लोग खुश हो। इतना ही नहीं, डिस्ट्रीब्यूटर से, थिएटर ओनर से सलमान खान ने माफी भी मांगी कि वो जो है अपने उस कमिटमेंट को पूरा नहीं कर पाए, लेकिन जहां जहां थिएटर खुले हैं वहां वहां ये फिल्म थिएटर में भी रिलीज होगी। तो ओटीटी पेड पर व्यू और थिएटर में रिलीज होने वाली ये पहली फिल्म बनने वाली है। सलमान खान ने यह भी कहा था कि इस फिल्म में मेरी जो कंपैरिजन हो रहा है अल्लू अर्जुन के साथ वो मुझे बहुत ज्यादा ये लगता है, क्योंकि अल्लू अर्जुन जो है वो बहुत अच्छे डांसर है, मैंने तो अभी शुरुआत ही की है, धीरे धीरे जो है थोड़ा मैं डांस जरूर सीख जाऊंगा। लेकिन एक बात तो तय है कि जितने भी 6 के 6 डायलॉग प्रोमो हो या फिर जितने भी गाने आए हैं इनको लोगों ने बहुत पसंद किया है। तो आप भी जो राधे का इंतजार कर रहे हैं फैंस, वो कल 12 बजे जो है पेड पर व्यू से इस फिल्म को अपने घर बैठे देख सकेंगे।